गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास वन. टुडे इज़ योर इंग्लिश क्लास एंड आई एम टीचिंग इंग्लिश क्लास ऑफ क्लास वन. सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम लोगों ने लेसन फोर को रीड किए थे, ठीक है? इसे सब पढ़े थे और समझे थे और इसके बुक वर्क को हम फील भी कर लिए हैं. टुडे इन दिस क्लास आज हम इस लेसन की क्या देखेंगे, हम बुक क्वेश्चन आंसर देखेंगे और वर्ड्स मीनिंग देखेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं. सो स्टूडेंट, ये है आपका क्लास फोर का वर्ड्स मीनिंग. हियर इज़ वर्ड एंड हियर इज़ मीनिंग. लेसन फोर, लेसन नेम इज़ अ फार्मर. फर्स्ट वर्ड इज़ फार्मर. फार्मर मीन्स किसान. क्रॉप मीन्स फसल. ग्रो मीन्स उगाना. फील्ड मीन्स मैदान या खेत. डिस्क्राइब मीन्स वर्णन. पुअर मीन्स गरीब. ग्रीन मीन्स अनाज. शीड मीन्स बीज. विलेज मीन्स गांव. सॉइल मीन्स मिट्टी. मैन्यूर मीन्स खाद. हार्वेस्ट मीन्स कटाई, यानी फसल की कटाई, ठीक है? तो स्टूडेंट, ये है आपके वर्ड्स मीनिंग. आगे देखते हैं. आगे है हमारा इस लेसन का क्वेश्चन आंसर, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज शंभू. शंभू कौन था? द आंसर इज शंभू इज़ अ पुअर फार्मर. शंभू एक गरीब किसान था. सेकंड है, व्हाट इज द नेम ऑफ शंभूस विलेज. शंभू के गांव का क्या नाम था? द आंसर इज शंभू विलेज नेम इज जगनपुरी. शंभू के गांव का नाम जगनपुरी था. थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट क्रॉप डज शंभू ग्रो इन द फील्ड. शंभू खेतों में क्या, कौन सी फसलें उगाता था? द आंसर इज शंभू ग्रो इन द फील्ड ग्रेन शुगर कैन एंड ऑल्सो ग्रो मेज. शंभू फील्ड में उगाता था ग्रेन अनाज, शुगर कैन गन्ने यानी एक, एंड ऑल्सो और मेज यानी मक्का भी उगाता था. फोर्थ है हमारा, हाउ मैनी चाइल्ड्स हैव शंभू. शंभू के कितने बच्चे थे? द आंसर इज शंभू हैव टू चाइल्ड. शंभू के दो बच्चे थे. हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज शंभू डू टू द क्रॉप. शंभू फसल उगाने के बाद क्या करता था उनके साथ? द आंसर इज शंभू टू द क्रॉप ग्रो सेल इट मार्केट. द आंसर इज शंभू टू डू द क्रॉप सेल इट इन मार्केट. शंभू फसलों को क्या करता था? बेचता था मार्केट में जाके एंड गेट मनी, और उससे क्या करता था? पैसे पाता था. तो ये है आपका लेसन फोर का क्वेश्चन आंसर, ठीक है?